ॐ द्रमगं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का जो विषय है हमारा कुंभ राशि के ऊपर विषय है। तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का मध्यकाल? देखिए कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और लग्न में चल रहे हैं और वो विशेष तौर पर आपकी राशि में चलते हुए वक्र अवस्था में चल रहे हैं पिछले करीब करीब 1.5 महीने के आसपास से, और अभी तो काफ़ी लंबा समय शनि वक्री चलेंगे, नवंबर के मध्य भाग तक चलना है इनको वक्री। तो ऐसे में सीधी तरीके से घी नहीं निकल रहा है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ग्रहों का खेल क्या होने वाला है अगस्त के मध्यकाल में? ऐसे में सूर्य के जो विशेष तौर पर पदाराशि का परिवर्तन करने का योग है, जो शनि के बिल्कुल समक्ष आ जाएंगे आपकी राशि के बिल्कुल सामने, ये आपके में थोड़ा सा अंतर्द्वंद उत्पन्न करेंगे, क्लैश बढ़ाएंगे, ये आपको बड़ा सावधानी के साथ रखना है। अगस्त के मध्यकाल में सूर्य का ये परिवर्तन जो है, शनि और सूर्य को आमने सामने आने के कारण से, आपकी राशि में सामने आने के कारण से सूर्य थोड़ा सा एग्रेसिवनेस बढ़ा सकते हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। वहीं मंगल आपको विशेष तौर पर कन्या राशि में जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपको बहुत सोच समझ के अपनी योजनाओं पर कार्य करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे आप कुंभ लग्न वाले हैं या आपकी कुंभ राशि है, इस बात का दोनों तरह से ध्यान रखना चाहिए। समस्या क्या है कि आपकी राशि के अनुसार से देखना पड़ता है कि पहले आपकी राशि प्रभावी ज़्यादा है या लग्न प्रभावी ज़्यादा है, या कौन सा प्रभाव चक्र जो है आपकी राशि में प्रभावी है, उसके अनुसार से पूरा प्रेडिक्शन मिलता है। तो हम दोनों के हिसाब से बना रहे हैं, राशि और चंद्र लग्न के हिसाब से, दोनों के हिसाब से आपको राशि लग्न के हिसाब से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि हम कुंभ के हिसाब से बात करें तो ये मंगल का जो परिवर्तन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ कर अपनी योजनाओं पर कार्य करने की आवश्यकता है, कहीं योजना आपको अकेला ना कर दें, कहीं इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, अननेसेसरी क्लैश ना बढ़ाएं। ये सूर्य और मंगल का परिवर्तन दोनों इस प्रकार के योग दे रहा है। शुक्र उदय होने जा रहे हैं, ये आपको विजय का योग बना रहे हैं, ये आपके लिए बहुत सुंदर है शुक्र का उदय होना। तो यानी अगस्त के मध्यकाल में इतनी उठापटक के योग हैं, आप समझें, आपके लिए अब समझना है कि कौन सी तिथि में क्या कुछ होगा, कैसे आपके लिए ग्रहों का बिसात बैठी हुई है और बिसात को आप शैमात के खेल में किस प्रकार से आपको विजय प्राप्त करनी है। निष्कर्ष हमने बताया कि विजय के योग बन रहे हैं आपके लिए, कैसे बनेंगे, किस तिथि में बनेंगे, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। समझ लीजिए 11 अगस्त के बारे में बात करें तो 11 अगस्त को विशेष तौर पर पंचांग ये कहता है कि सावन के अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुक्रवार का अवसर, और ये एकादशी बड़ी पुण्य वाली है, एकादशी वृद्धा में है, यानी एक दिन बढ़ जाएगी तो द्वादशी के साथ मिलकर आएगी, तो असली पुण्य तो द्वादशी के साथ मिलकर बनेगा, लेकिन फिर भी एकादशी है तो इसका निमित्त जो व्रत इत्यादि करना चाहिए अवश्य करना चाहिए, जो चावल निषेध है वो रखने चाहिए, विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ये शास्त्र में कथाएं ऐसी नहीं हैं, जो जो चीज़ बताई गई हैं वो वास्तविक तौर पर उनका एक सांकेतिक कहीं ना कहीं महत्व है। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसको आप सुन सकते हैं कि एकादशी के दिन चावल का खेल क्या होता है, किस प्रकार से उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत समझ के उनको समझने कर कार्य करने की आवश्यकता दिखाई देती है। अब समझ लीजिए ग्रहों का खेल क्या है। ग्रहों के अनुसार से यदि समझें तो आपके लिए समय अनुकूल दिखाई देता है। यदि हम 11 तारीख की बात करें तो ग्रह ओवरऑल आपके पक्ष में है, लेकिन फिर भी अननेसेसरी के क्लैशों में ना फंसे, अपने कार्यों को सही से निकालने का आपको प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा बहुत सुंदर तृतीय स्थिति में उच्च के होकर आपकी राशि के अंदर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो सुख का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गौ पूजन करें, गौ की सेवा करें, गौ को हरा चारा डालें, गौ को विशेष तौर पर चने भिगो के खिलाएं, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनेगा, क्योंकि एकादशी है, एकादशी के दिन गौ धेनु का, ब्राह्मणों का, संतों का जो सेवा करते हैं उन सबके कष्ट जीवन से दूर होने के योग बनते हैं। तो वैसे नित्यपति करनी चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तो अवश्य जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। 12 तारीख की यदि हम बात करें तो 12 अगस्त को शनिवार का अवसर है, और उस दिन एकादशी और द्वादशी संयुक्त रूप से विद्यमान है, एकादशी वृद्धा में है तो अगले दिन बढ़ गई हैं, तो उसके बाद द्वादशी का आगमन हो जाएगा, तो ये बड़ी सुंदर तिथि है। इस तिथि का नाम है पुरुषोत्तम एकादशी। पुरुषोत्तम एकादशी भगवान विष्णु ने स्वयं इस मास को अपना नाम दिया, और उनके ही परम प्रिय मास के अंदर ये एकादशी का योग पड़ रहा है, और जो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है। इस कलिकाल में कहा जाता है कलयुग के अंदर चाहे कोई व्रत करो ना करो, कम से कम एकादशी का व्रत अवश्य करने का प्रयास करें। ग्रह दिखाते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ अच्छे विचार आते दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव सोच आती दिखाई दे रही है, जो बुद्धि को सही रास्ते पे डाल सकती है, इस प्रकार के योग बन रहे हैं। बस गुस्से को कंट्रोल करके रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, खासतौर पर कुंभ राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए।
दोस्ती बढ़ेगी, दोस्ती का उपयोग करना कि आपको योग चाहिए, केवल ज्ञान नहीं देना है, उनसे थोड़ा सा चाणक्य नीति का काम करते हुए उनसे उपयोग भी लेना है, तब आप बहुत बढ़िया तरीके से लाभ ले सकते हैं। आइडियल नहीं बनना है, प्रैक्टिकल अप्रोच ले। शनि महाराज लग्न में चल रहे हैं जो अननेसेसरी अड़ा देते हैं, आपको धीरे कर देते हैं, तो सोच थोड़ी परिवर्तनशील रखते हुए कार्य करें, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, ये सब सोच कर कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से, यानी इधर उधर चला कर कैसे भी अपना कार्य करा के रखना है, सीधी तरीके से कार्य नहीं होगा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनिवार का अवसर है, उपाय क्या करना चाहिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए, अनुकूल करने के लिए एक उपाय हम आपको बता देते हैं, स्थिति में करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लीजिए और उसमें थोड़े तिल डालिए और उसके द्वारा भगवान का अभिषेक कीजिए, भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान विष्णु का अभिषेक करें, और वो बड़ा कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि तिल का संबंध शनि के साथ भी है और तिल का संबंध भगवान विष्णु के साथ भी है। भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न होने वाला तिल भगवान को बड़ा अति प्रिय है, और इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान पर चावल नहीं चढ़ते, तिल चढ़ता है। और एकादशी के दिन भगवान शंकर का भी यदि, और शनिवार के दिन, दोनों दिन को संयुक्त रूप से चावल की जगह तिल का उपयोग करते हैं, भगवान का यदि दूध में डाल के या चावल जल में डाल का अभिषेक किया जाए तो कहा जाता है शनि भी अनुकूल हो जाते हैं। सुंदर शास्त्रोक्त विधान है, इसको अवश्य पूरित करने का प्रयास करें। वहीं 13 अगस्त की हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि का संयुक्त रूप से योग है, प्रदोष है रवि प्रदोष, कीर्ति को बढ़ाने वाला योग, कीर्ति को प्राप्त कराने वाला योग। कीर्ति में यदि विघ्न है, रास्ता नहीं मिल रहा है, सम्मान पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो रहा है, सफलता पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो रही है, आपके कार्यों का आप में निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो इसका उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान का ध्यान करते हुए इसका इच्छू रस से भगवान का अभिषेक यदि किया जाए इस प्रदोष में, तो कहा जाता है समस्त प्रकार से आपके मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। बिल्व रस से, बिल्व के रस से भगवान का अभिषेक किया जाए तो कहा जाता है भगवान विशेष तौर पर कल्याणकारी योग बनते हैं। हमने विवेकानंद योग आश्रम में बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा हुआ है, इन दिनों नित्य प्रति रुद्राभिषेक होता ही है, तो इन शुभ तिथियों में भी अपने नाम से भी आप कर सकते हैं, स्वयं भी सम्मिलित होकर आप इसका लाभ ले सकते हैं, और उसकी पूर्ण व्यवस्था है, फोन नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अवश्य इसको लाभ लेने का प्रयास करें। प्रदोष है ये, प्रदोष यानी समस्त दोषों रहित काल, दोषों को दूर करने का काल, तो ऐसे में जब सूर्य अस्त हो जाए उसकी 2 घड़ी तक ये काल विद्यमान रहेगा। इसमें विशेष तौर पर भगवान का स्तवन स्वयं करने का प्रयास कीजिए, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा कराने का प्रयास कीजिए, देखिए मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं, जैसे हमने कहा आपको सूर्य आपके लिए विशेष तौर पर जो योग चंद्रमा योग बना रहे हैं, जो चंद्रमा के पंचम भाव में स्थित होकर, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग है, आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, तो इसका उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बात कर लेते हैं 14 अगस्त की। 14 अगस्त को सोमवार का अवसर है और सावन के अधिक मास का अंतिम सोमवार है, और उस दिन अधिक मास की शिवरात्रि भी है। अधिक मास तो जैसे 2.5 साल बाद आता ही, करीब करीब 2-3 साल बाद, लेकिन सावन के महीने में अधिक मास तो बहुत वर्षों बाद आता है, तो ऐसे में उसका शुभ लाभ आपको प्राप्त हो, बड़ी मुश्किल से अच्छा समय आया है, और उस दिन सावन के सोमवार के दिन सावन के अधिक मास की शिवरात्रि पड़ रही है, ये तो बहुत विरली होगी, साथ में बहुत ही विरली योग होगा, सावन के महीने में शुभ ये बहुत सुंदर तिथि बन रही है, तो ऐसे में इसका उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, यथाउचित भाव से भगवान का दूध से, जल से, गंगा जल से, घी से, शहद से, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार से अनेक अनेक ये औषधि बताई गई हैं, इन सब से करने का प्रयास करना चाहिए अभिषेक। हमने विवेकानंद योग आश्रम में जैसा बताया बहुत विशाल कार्यक्रम रखा है, हमारे आश्रम में बड़ा विशाल भगवान का शिवलिंग है, जैसा सौराष्ट्र में है, आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज ने अपने सिद्ध हाथों से उनको प्रतिष्ठित किया और बड़े विशाल रूप से आज भी उनका नित्यप्रति पूजन किया जाता है, तो आप भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, पूरा वर्णन आपको हमारे फ़ोन नंबर से मिल जाएगा, अपने नाम से करा सकते हैं, रुद्राष्टाध्याय का पाठ रहेगा। ग्रह गणना के अनुसार से आपका जो समय दिखाई देता है वो थोड़ा सा कष्ट का है, स्वास्थ्य के अनुसार से ध्यान रखते हुए कार्य करें, आपका मन थोड़ा सा विचलित रहेगा और थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में समस्याएं उत्पन्न करने के योग दिखाई देते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। चंद्रमा अनुकूल नहीं है, दूध का दान करें, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, भद्रा रहेगी सुबह 10:26 पर, तो नया विचार नया कार्य करना इस भद्रा काल में ठीक नहीं रहेगा, 10:26 से लेकर रात्रि के 12 बजे तक भद्रा है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 15 अगस्त के दिन मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। इस दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा 1:49 से लेकर, जो अश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा वो करीब करीब अश्लेषा और मघा 2 मूल नक्षत्र रहेंगे, गणमूल नक्षत्र जो 15, 16 और 17 तक विद्यमान रहेंगे।
तो ऐसे समय में आपकी राशि के अनुसार से समझ लीजिएगा, कोई घर में नया जन्म हो रहा है तो उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। मंगलवार है, सावन के अधिक मास के अंतर्गत आने वाला अंतिम मंगलवार है, साथ में सावन का अधिक मास चल रहा है। सावन का अधिक मास भगवान शिव और मंगल यानी हनुमान जी को प्रसन्न करने का दिवस, तो ऐसे में ग्रह गणना थोड़ी सी भारी है आपके लिए। चंद्रमा षष्ठ भाव में विद्यमान है, शुक्र वहाँ पर पहले ही वक्री चल रहा है, सूर्य वहाँ विद्यमान है, ये स्वास्थ्य में थोड़ा कष्ट देने का पूरी तरह से ग्रह बना हुआ है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो ऐसे में भगवान का महामृत्युंजय मंत्र से जप करें, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें, और इसी योग को देखते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में शाम को रुद्राभिषेक और सुंदरकांड और भंडारा का बड़ा कार्यक्रम रखा है, आप भी इसमें अपने रूप से सहयोग कर सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं, सादर निमंत्रण है आपको। विवेकानंद योगाश्रम में आकर आप समस्त कार्यक्रम फ़ोन नंबर करके जान सकते हैं, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम में जुड़े। 16 अगस्त की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है, सावन के अधिक मास की अमावस्या है, और यह अमावस्या बेहद खास है। अधिक मास में पुण्य भी अधिक होते हैं, जो भी कार्य किया जाएगा उसका अधिक पुण्य प्राप्त होगा। तो एक बात ध्यान रखें, आपके पितृ ऋण से निवृत्ति का कार्य भी आप बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं, तो इस कार्य को करने के लिए आपको अपने पितरों के निमित्त तर्पण, आपको गौग्रास ब्राह्मण भोजन अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए। ये सब चीज़ कर आप कष्टों को दूर कर सकते हैं, तो आपको आप अच्छे से लाभ प्राप्त होगा। आज की समस्या बहुत हो गई है, बड़ी समस्या रहती है कि अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप कराएं कहाँ या ब्राह्मण भोजन कराएं कहाँ। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से ये व्यवस्था भी करी है, आप अपना नाम गोत्र अपने पितरों का नाम दे सकते हैं फ़ोन नंबर्स पर, और उनके लिए पूर्ण व्यवस्था आश्रम के द्वारा कर दी जाएगी, और ब्राह्मण भोजन की अगर आप व्यवस्था भी करा दी जाएगी, गायत्री जप की व्यवस्था भी करा दी जाएगी। तो ये सब कर्म आप चाहें तो स्वयं आके भी करवा सकते हैं, और बहुत दूर रहते हैं तो अपने रूप से करा कर भी आश्रम पे अपने नाम को रजिस्टर करा के आप ये सब व्यवस्थाएँ ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पर आप संपर्क साध कर ये सब कार्य करने के लिए व्यवस्था बना सकते हैं। देखिए, ग्रहों की गणना विशेष तौर पर समझें, थोड़ा समय भारी दिखाई देता है, सुबह सुबह थोड़ा भारी है, शाम के समय के बाद से परिवर्तन की सूचनाएं आपको आने के योग बन जाएंगे, लेकिन सुबह का समय ओवरऑल भारी है। आपको विशेष तौर पर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए, थोड़ा मनोमस्तिष्क को पॉजिटिव लाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत जल्दी ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शाम के बाद से आपको पॉजिटिव साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे, और कल के बाद से तो ग्रह और परिवर्तन की तरफ जाएंगे। अब ये बात कर लें हम 17 तारीख की, 17 अगस्त के दिन ये परिवर्तन हो रहा है, विशेष तौर पर पंचांग के अनुसार से सावन का अधिक मास समाप्त होकर प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा सावन की आरंभ हो रही है, शुद्ध रूप से बृहस्पतिवार है, और साथ साथ संक्रांति भी है, सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक ही तिथि में कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन, सिंह की संक्रांति है और यह आपके लिए बेहद खास रहने वाली है। ये परिवर्तन आपके अंदर यदि आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर पाए तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। 1:32 पर सूर्य परिवर्तित होकर सिंह राशि में जाएंगे, और ये परिवर्तन के लिए आपको बहुत सुंदर योग बनाने वाले दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप भगवान सूर्य का जप करें, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का सूर्य को अर्घ दें, विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो पूरी तरह से इसी पे बात रहेगा कि सूर्य सिंह में जाकर आपकी राशि के अनुसार से क्या करेंगे, लेकिन ओवरऑल देखिए इस समय ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है। चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ हो चुके हैं, और सिंह में सूर्य का भी परिवर्तन हो गया है, छठे भाव से निकल कर दोनों सप्तम भाव में आ गए हैं, ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। बस थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल कीजिएगा तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ऐसे में उपाय क्या किया जाए, ब्राह्मणों की सेवा, पीली चीज़ों का दान, मंदिर में जाकर पीले वस्त्रों का दान, पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें, सूर्य को अर्घ दें, कनेर का पुष्प एक डालकर तांबे के लोटे में गंगा जल में भगवान को अर्घ दीजिए, बड़ा सुंदर उपाय है। 18 तारीख की हम बात करें तो उस दिन अगस्त 18 अगस्त के दिन शुक्रवार का अवसर द्वितीया तिथि है, उस दिन 2-3 दिन ग्रहों का परिवर्तन है। देखिए, एक तो कन्या राशि में मंगल का पदार्पण होने जा रहा है, और कन्या राशि में मंगल का पदार्पण क्या होगा, आपके विशेष तौर पर अष्टम भाव में मंगल चले जाएंगे, और ये आपके अंदर अदम्य उत्साह का उदय करेंगे। बहुत सारे कार्य आप अपने विचारों को जोड़कर कर सकते हैं, और बहुत सारे नए संपर्कों का लाभ भी ले सकते हैं, ये साफ साफ दिखा रहे हैं। ये मंगल शनि के साथ जो टकराव चल रहा था उससे हटकर मंगल आगे चले गए हैं, और ये जो 3:54 पर परिवर्तन होगा, इसके साथ साथ शुक्र उदय हो जाएंगे। शुक्र छठे भाव में जब उदय होकर आएंगे तो आपके लिए जो रुकी हुई गाड़ी थी, आप जहाँ चाहकर भी जो विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, ये आपको विजय का योग बनाने वाले हैं। यानी आने वाले करीब करीब कुछ दिनों में ये शुक्र यहाँ पे जो उदय होकर बैठेंगे, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं।
इसको भी आपको अलग समझना चाहिए क्या कुछ करेंगे आपके साथ ये। इसके साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है। चंद्रमा शाम को जब उदय होंगे, दिखाई देंगे थोड़ी देर के लिए, तो श्रृंगी दोनों बराबर होंगी और थोड़ी लालिमा लिए होंगे चंद्रमा। देखिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम साफ साफ देख सकते हैं गणना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा लाल हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, धूमिल हो रहे हैं, ताम्रवर्ण के हो रहे हैं, तो ये सब ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से पूर्व बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से आता है। और ज्योतिष के कैलकुलेटिव पार्ट को देखते हुए इस बात को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ये चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से आपके मन में आने वाले एक महीने तक थोड़ी सी अशांति उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, मन में एंजाइटी बढ़ा सकते हैं, मन में अननेसेसरी का भय दे सकते हैं। पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो ग्रहों का योगा योग है, शनि मंगल का षडाष्टक योग और साथ साथ जो बना है आज के दिन, और चंद्रमा का ये उदय होने का दिखाई दे रहा है, तो आने वाला एक महीना जो रहेगा वो उठापटक वाला रहेगा। अशांति का वातावरण बन सकता है, भय का वातावरण बन सकता है, अननेसेसरी क्लैशेस बढ़ सकते हैं, चाहे वो रशिया का युद्ध चल रहा हो या कहीं भी पूरे विश्व में उठापटक के योग दिखाई दे सकते हैं। समाज में आपस में वैमनस्य थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है साफ साफ तरीके से, हमें शांति के साथ काम करने की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखें। आपकी ग्रह गणना विशेष तौर पर बना रही है कि आपके लिए पॉजिटिव रहेगा समय, आपकी राशि के अनुसार से देखें आज का दिन विशेष तौर पर परिवर्तन का है, लेकिन आपके लिए ओवरऑल अच्छा पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनेंगे। तो उपाय के तौर पर आपको गौ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, ये बड़ा सुंदर रहेगा। गाय की गौशाला में जाकर थोड़ा चने की दाल गाय खिला दीजिए या गौशाला में अपने सहयोग को भेज दीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। विवेकानंद योगाश्रम भी गौ रक्षा के संबंध में अनेक प्रकार से कार्य करता आया है। मैं स्वयं विवेकानंद गौ रक्षा सदन का विशेष तौर पर फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और गौ रक्षा के संबंध में हम बहुत सारे पूरे विश्व में कार्य करते हैं। आपने बहुत सारे चैनल्स पर हमको देखा होगा गौ रक्षा के संबंध में अपने वक्तव्य को देते हुए। आश्रम पर भी हम बहुत सारे गौ रक्षा नक्षण काम करते हैं और गौशाला भी चलती है आश्रम पर। 19 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर है और तृतीया तिथि है और साथ साथ कन्या में चंद्रमा का पदार्पण होने जा रहा है सूर्य उदय से पहले पहले। ये थोड़ा सा कष्ट का योग बनाएगा, खर्चे बढ़ाएगा आपके लिए, अननेसेसरी क्लैश देगा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें आप। मधुश्रवा तीज है, ऐसे में उपाय के तौर पर भगवती पार्वती और शिव का शहद के द्वारा अभिषेक करना आपके लिए बहुत सुंदर उपाय है और शनिवार का अवसर है तो ऐसे में आपको उड़द की दाल का दान भी करना चाहिए, ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। वहीं 20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि और साथ में उस दिन भद्रा भी विद्यमान है। रिक्ता तिथि और भद्रा दोनों के दोनों योग बना रही है, नए कार्यों के आरंभ करने के लिए, नए विचारों को आरंभ देने के लिए, स्थान देने के लिए समय अनुकूल नहीं दिखाई देता, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें नए प्रोजेक्ट्स हाथ में ना लें इस दिन में, तो अन्यथा उसमें कहीं ना कहीं विघ्न आने के योग बन सकते हैं। कई बार लोग गणेश जी की चतुर्थी के दिन इस भ्रांति में पड़ जाते हैं कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, उस चतुर्थी के दिन कोई भी कार्य आरंभ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चतुर्थी रिक्ता तिथि मानी जाती है दृष्टिकोण से और उसमें भद्रा का आगमन जब हो जाता है तो ऐसे में उसमें कई प्रकार के और विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ चल रहा है ग्रहों का योगा योग, ये हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। इसके बाद भी आपकी राशि के अनुसार से तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके स्पेसिफिक भाग्य में क्या कुछ होने के योग हैं उसके संबंध में आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स आपके समक्ष हैं, अपॉइंटमेंट लेकर संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।